हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल माय ड्रीम गार्डन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आजकल मेरे घर के सामने से जो भी लोग जाते हैं उनके नज़र मेरे घर के तरफ होते ही है। उसका कारण है ये फ्लावर। दोस्तों, ये है ट्रैपिड वाइन या फ्लेम वाइन या वेनिस तरह भी हम बोल सकते हो। लेट विंटर में इसका फ्लावरिंग होता है और ये गुच्छे में आता है। दोस्तों, इसका कलर तो आप देख ही सकते हो कि डीप ऑरेंज कलर का होता है और दूर से देख के लगता है कि आग लग गए हैं, तो इसीलिए इसका नाम शायद फ्लेम वाइन हुआ है। तो दोस्तों, 3 साल पहले मैं इसका जो पौधा है इसको नर्सरी से लाके मैंने नीचे एक सीमेंट के टब में लगाई थी और 3 साल बाद ये बढ़ते बढ़ते अभी मेरे सेकेंड फ्लोर का छत तक आ चुका है। और इस को हमने एक रस्सी के द्वारा, हमारा जो रेलिंग है छत का, छत के रेलिंग के साथ हम बांध के रखे हैं। दोस्तों, इसका सारे पंखुड़िया जब खुल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है दूर से देखने में। और इसका जो शेप है ट्रम्पेट के तरह है, शायद इसी कारण इसका नाम ट्रम्पेट वाइन भी है। दोस्तों, ये एक लो मेंटेनेंस पौधा है। इसमें हम कभी किसी तरह के स्पेशल केयर नहीं किया, लाने के बाद से कभी हम पेस्टिसाइड नहीं दिया। और खाने में हम डालते हैं सरसों का जो खली होता है उसका पानी। हम 3 दिन सरसों का जो खली है उसको पानी में भिगो के रखते हैं, उसके बाद उसमें और पानी मिला के एक पतला सा घोल बना लेते हैं, उसका ही वो पानी ही हम डालते हैं। जब दूसरे पौधे में डालते हैं इसमें भी थोड़ा बहुत डाल देते हैं। और कभी कभार मिट्टी को गुड़ाई करके उसमें हम जो कंपोस्ट होता है वो डाल देते हैं। इस पौधे को थोड़ा धूप पसंद है, तो धूप वाले जगह पर ये ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो होता है, पर सबसे अच्छा ग्रो ये करता है रेनी सीजन पे। दोस्तों, इसका प्रोपोगेशन भी बहुत इजी है। इसका जो डाल आप देख रहे हैं, इस डाल को अगर आप मिट्टी में गाड़ के रखोगे तो इसका जो नॉड है, नॉड से नया रूट निकल आता है और वहाँ से पौधा हो जाता है, ग्रो करता है। दोस्तों, इसका फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और ये गुच्छे में आता है, नॉट से ब्रांचेस निकालता है, उसी में ही ये फ्लावर खिलते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप देख रहे हो कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें इसका जो पंखुड़िया है अभी तक पूरी तरह से नहीं खुला है। खुलने के बाद ये बहुत अच्छा लगता है दिखने में। दोस्तों, ये जो फ्लावर है इसमें बर्ड्स, फिर बीज, हनी बीज, ये सब बहुत आकर्षित होता है। हमारे इधर एक छोटा सा बर्ड्स है जो हमिंग बर्ड की तरह दिखने में लगता है, वो सुबह सुबह आके इस जो फ्लावर है इसमें उसका चोंच अंदर डाल देता है, डाल के नेक्टर कलेक्ट करता है। और इसी कारण आप देख सकते हो कि बहुत सारे फ्लावर्स का जो ऊपरी हिस्सा है वो कट गया है। दोस्तों, इस फ्लावर का कलर इतना अट्रैक्टिव है और जब ये पूरा ब्लूमिंग करता है तो दूर दूर से दिखाई देता है और घर का शोभा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो मैंने पहले ही बोला ना कि अभी जितने सारे लोग मेरे घर के सामने से जाता है, मेरे घर की तरफ एक बार वो मुड़ के देखेगा ही देखेगा, तो हमें भी अच्छा लगता है। दोस्तों, मेरे पौधे का ग्रोथ थोड़ा कम है क्योंकि मैंने टब में लगाई हूँ, और अगर इसको मैं मिट्टी में लगाती तो इसका जो ग्रोथ है बहुत गुना ज़्यादा होता। तो इस बार सोच रही हूँ कि नई एक खरीदूँ और उसको मैं मिट्टी में लगाऊंगी। दोस्तों, अभी तो इसका फ्लावरिंग शुरू हुआ है, अभी काफ़ी बर्ड्स भी नए नए आ रहे हैं और ये काफ़ी दिन तक खिलते रहेगी और मेरा जो घर का शोभा है उसको बढ़ाते रहेगी।
तो दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आपके घर के नज़दीक अगर नर्सरी है तो आप जाइए और इस पौधे के बारे में पूछिए। अगर आपको मिल जाए तो आप लाके इस पौधे को आप लगा सकते हैं। ये लो मेंटेनेंस पौधा है और एक बार लगाने से देखिएगा कि बहुत अच्छा ग्रो होता है और आपके घर का शोभा बहुत हद तक बढ़ा देगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। टाटा बाय बाय।